हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं दोस्तों। ये मॉर्निंग का टाइम है और मकर संक्रांति के दिन वाला समय था। हम लोग नहा धो करके मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं सभी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती चलूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आएगी दोस्तों। तो मैं बता दूँ कि हम सब जा रहे हैं रजरप्पा मंदिर। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये मंदिर 6000 साल पुराना है और ये छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। और रजरप्पा मंदिर जाने के लिए हम सब बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और आज सडनली हम लोग मॉर्निंग में उठते ही नहा धो करके ये प्लानिंग कर बैठे और हम सब निकल चले हैं। तो आप लोग भी वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, और जो कुछ भी मेरे जानकारी में होगा मैं वो चीज़ शेयर करूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए, हम सब मंदिर पहुँच चुके हैं और मंदिर पहुँच के सबसे पहले जो काम होता है प्रसादी वगैरह खरीदने का, तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रसादी वगैरह लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पूजा के लिए। तो रजरप्पा मंदिर भारत के 91 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर मंदिर जो है स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और पूजा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ मंदिर में कितना ज़्यादा भीड़ है। छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावे भगवान शिव, सूर्य देव और भगवान हनुमान, अन्य देवी देवताओं का भी मंदिर यहाँ पे स्थित है। तो हम सब यहाँ पे, मैं मैरिज के बाद यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। ऐसे तो बचपन में एक आध बार मम्मी पापा के साथ मैं आया करती थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में आकर के मन्नतें वगैरह मांगते हैं या माँ से विनती करते हैं, वो जो है बहुत जल्दी पूर्ण होता है। इस आशा से भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा की संख्या में भक्तों का जो है भीड़ यहाँ पे लगता है। तो हम सब निकले हुए थे मॉर्निंग के 10 बजे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा जो समय है वो करीबन 1.5 घंटे का गया हुआ है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से ये 60 किलोमीटर दूरी है। तो 1 से 1.5 घंटे हमें लगे थे यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये देखिए, प्रसादी वगैरह लेकर के मैं सीधे लाइन पे खड़ी हो गई हूँ। और यहाँ का ये जो रूल है मुझे जो है बहुत ज़्यादा पसंद लगा, क्योंकि देखिए एक ठेलम ठेलाई वाली जगहों पे भी रह के ज़रा सा भी भीड़ का जैसे अनुभव नहीं हुआ, और हम आराम से मंदिर के पास पास पहुँचते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रो का जो है बहुत अच्छा सा ध्यान रखा गया है और कुदम कुदाई वाली जो होता है वैसा कुछ नहीं था दोस्तों। तो ये देखिए, ये भव्य मंदिर माँ का जो छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे स्थल बड़े शक्तिपीठ के रूप में छिन्नमस्तिका के मंदिर में विख्यात है। रजरप्पा मंदिर रामगढ़ जिले में है, जो रामगढ़ से 28 किलोमीटर दूर पर है। और रजरप्पा झारखंड का पर्यटन स्थल भी है। जो कुछ भी जानकारी मेरे नज़र में था दोस्तों, मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। और ये देख लीजिए मंदिर का पूरा व्यू। मैं अंदर जैसे ही गेट पे पहुंची तो यहाँ से पूरा व्यू मैंने लेने का कोशिश किया है। और ये जो समय था दोस्तों, करीबन 12:20 का ये समय था, जो कि मैं मंदिर के गेट पे सीधे पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ देखिए, गेट में एंट्री हमारा हो चुका है और जस्ट चंद मिनट की दूरी पे मैं थी गेट से। माँ के चरणों तक पहुँचने के लिए का जो समय था करीबन चंद मिनटों का था। और देखिए, पूजा के जस्ट बाद में हम सब मंदिर के बाहर आकर के ये पूजा अर्चना वगैरह जो भी था हुआ। और मंदिर के अंदर वीडियो करने का ये बिल्कुल से अलाउ जैसे नहीं था, और समय भी मैं नहीं निकल पाई, क्योंकि मंदिर के अंदर जाते ही बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ थे, जिसके वजह से जल्दी सब कुछ हुआ और हम बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरी वीडियो के माध्यम से वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों। और हम सब यहाँ बहुत अच्छे से पूजा वगैरह करके मन को अपना जैसे हर्षित फील कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी यहाँ आऊँ बट हो नहीं पा रहा था। तो चलिए, अब बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करवाने का टाइम जो है आ गया था,
और पूजा वगैरह के बाद और मंदिर के जस्ट सामने से ये व्यू पूरा पूरा मैंने लिया है। और ये देखिए नदी का नज़ारा कितना खूबसूरत है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है, बच्चे यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा मेरे खुश हो गए थे। ये देखिए मेरी गुड़िया रानी चुटकी, कोमल और बाबू दोनों ही बोटिंग के लिए ये बोल बैठे थे कि हम लोगों को बोटिंग करवा दीजिए मम्मी पापा। तो चलिए अब हम सब भी थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। और क्या ही बोलूँ, यहाँ आके मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी। बच्चों को मैं क्या बोलूँ, खुद में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोट में बैठ करके मुझे भी अच्छा फील हो रहा था। और इतना समय हमारे पास नहीं होता है दोस्तों कि मैं हर फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। कभी कभार होता है जब हम घर से बाहर जाते हैं तो मैं कोई भी चीज़ों को मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो ये देखिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। और जो भी जानकारी था मैंने आप लोगों को दिया, तो आप लोग भी बोटिंग का सवारी कर लीजिए दोस्तों वीडियो के माध्यम से, और क्या ही बोल सकती हूँ। और ये यहाँ आकर के मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और चलिए आगे अगर होगा तो फिर कभी जाया जाएगा। हालांकि आज का वीडियो जो है अब मैं सोचती हूँ कि रोका जाए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बोटिंग का इन्जॉय किया, दो चार चक्कर जो भी था वहाँ के, और वाटरफॉल वगैरह नज़दीक से जा कर के देखा, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और बहुत सारा रील्स वगैरह भी मैं बनाई हूँ, बट समय के अभाव से मैं अपलोड वगैरह भी नहीं कर पाई हूँ। तो ये देखिए बच्चे तीनों के तीनों मेरे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।